हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे पोटैटो का एक ऐसा नाश्ता जिसे आप एक बार खाओगे और खाते रह जाओगे। हाँ फ्रेंड्स, इस नाश्ते को खाने के बाद आप पिज़्ज़ा और पेटीज वगैरह सब खाना भूल जाओगे। हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा बनता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ आपको ये नाश्ता किस तरह और कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने 3 से 4 आलू लिए हुए हैं जो कि मैंने बॉईल कर रखे हैं। और फ्रेंड्स, ये कुछ कॉर्न लिए हुए हैं और बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटी हुई गाजर और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। तो फ्रेंड्स, आपको ये इंग्रेडिएंट चाहिए। अब मैं अपने आलूओं को क्रश कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आलू आपको ठंडे करके लेने हैं, गर्म आलू इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। इसे आप एक बार बॉईल करने के बाद या तो फ्रिज में रख दीजिएगा या फिर इसे ठंडे होने के बाद यूज़ कीजिएगा। तो एक एक करके सभी आलू हम इसी तरह क्रश कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने चारों आलूओं को क्रश कर लिया है, आप देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने आलूओं को क्रश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें नमक डाल लिया है। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगी चिली फ्लेक्स। आपको इसमें ज़्यादा मसालों का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ये दो ही चीज़ डालनी है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिया है। आप वो अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा कि आपके बच्चे ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं या कम। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 स्पून इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिया है। अब मैं डालूंगी अपने इंग्रेडिएंट, बारीक कटे हुए प्याज, गाजर और फ्रेंड्स ये मैंने शिमला मिर्च ली हुई है और ये कॉर्न। तो फ्रेंड्स, सभी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह आप अरारोट भी ले सकते हैं या फिर मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है। ये मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका अच्छा सा डो बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसका डो लगा लिया है। आपको इसी प्रकार इसका डो लगाकर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हो मैंने सभी मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल इसके ऊपर डाल दूंगी। फ्रेंड्स, आप ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं या रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं या फिर सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं लूँगी एक खाली पैन। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने खाली पैन ले लिया है, आप देख सकते हो। अब मैं इसे चारों तरफ से ग्रीस कर लूँगी। इसे मैं ऑयल से ही ग्रीस कर लूँगी चारों तरफ, क्योंकि हमें चारों तरफ से चिकना करना है। और इसे ब्रश की सहायता से इसे चारों तरफ से इस पर ऑयल लगा लूँगी। और फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ सेवैयाँ ली हुई हैं, इन्हें मैं गार्निश के लिए नीचे से लगा लेंगे, क्योंकि इससे हमारा नाश्ता काफ़ी क्रंची बनेगा। तो थोड़ी थोड़ी सेवैयाँ मैं डाल देती हूँ, अगर आपके पास हो तो आप यूज़ कर लीजिएगा, वरना ये ऑप्शनल है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर थोड़ी थोड़ी सेवैयाँ डाल दी हैं। आप देख सकते हैं हमारा पैन तैयार हो चुका है। अब मैं इस डो में से हाफ डो लूँगी, अपने हाथों को अच्छे से चिकना कर लूँगी ताकि हमारा डो हमारे हाथों पर चिपके नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने हाथों को पहले चिकना कर लिया है और अपने डो को उठाकर अच्छे से इसे गोल गोल बना लिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे अपने पैन के अंदर रखूँगी और इसे फैला लूँगी। आपको हाथों से इसे इसी तरह फैला लेना है। आपको अपने पैन को बाद में ही गैस पर रखना है, पहले आपको इसी प्रकार इसे फैला लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अपने मिक्सचर को अच्छे से इसके अंदर फैला लिया है। और फ्रेंड्स, मैं अब इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ी सी मोजरेला चीज़। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मोजरेला चीज़ ली हुई है। अगर आपके पास मोजरेला चीज़ नहीं है तो आप इस प्रकार की चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। ये पीसे चीज़ आती है, आप प्रोसेस चीज़ भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी चीज़ को इस पर चारों तरफ फैला दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अपनी चीज़ को चारों तरफ इसके ऊपर फैला दिया है
और फ्रेंड्स जो आलू का मिक्सचर हमारे पास पेस्ट बचा हुआ है वो भी मैं अब धीरे धीरे इसी के ऊपर फैला दूंगी। उसके लिए अपने हाथों को फिर से आपको चिकना करना है और थोड़ा सा इसे तोड़कर इसकी परत सी बनाकर इसके ऊपर रख देना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं अब इसके ऊपर इसे रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स आपको अपनी चीज़ को चारों तरफ से ढक देना है। आप देख सकते हो जिस प्रकार मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स आप ये फिनिशिंग में कितना अच्छा लग रहा है। तो आपको इसी प्रकार इसे करके अपने पैन को आपको रखना है अपनी गैस पर। और गैस पर रखने से पहले मैं इसे चिकना कर देती हूँ थोड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे थोड़ा थोड़ा चिकना कर दिया है और इसकी चारों तरफ से इसकी फिनिशिंग थोड़ी अच्छी कर देनी है। अब मैं इसे अपनी गैस पर रख दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैं अब इसे अपनी गैस पर रख दिया है मैंने और अब मैं इसे लो फ्लेम पर इसी प्रकार पकाऊंगी। लेकिन आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको इसे लो फ्लेम पर पकाना है और ऊपर से इसे कवर कर दूंगी। तो देखिए मैंने इसे कवर कर दिया है और 2 से 3 मिनट तक मैं इसी तरह इसे पकने दूंगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो अपने पैन से ओपन करके देखूंगी कि हमारा नाश्ता अच्छे से सिक चुका है या नहीं। फ्रेंड्स इससे आवाज़ तो हल्की हल्की आ रही है लेकिन अभी यह है थोड़ा कच्चा है इसलिए अभी मैं थोड़ी देर के लिए इन्हें और ढक दूंगी। फ्रेंड्स देखिए मैंने अपने नाश्ते को उलट दिया था और अब मैं इसे दूसरी तरफ से देखूंगी कि अच्छे से सिक चुका है या नहीं। तो उसके लिए मैं एक प्लेट का यूज़ कर रही हूँ और प्लेट इसके ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स ये दिखने में कितना। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। मैंने अपने पैन से इसे प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये देखने में भी कितना बढ़िया और कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये आलू का नाश्ता है जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अब मैं एक पीस इसमें से कट करके दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स ये अंदर से भी बहुत ही अच्छे तरीके से सिका हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये अंदर से भी कितना बढ़िया सिका हुआ है। तो फ्रेंड्स पोटैटो का नाश्ता आप इस प्रकार बनाइएगा और खाइएगा और इसे एंजॉय कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।